नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से जानते हैं आज आपके बारे में कि आपकी हथेली पे मौजूद रेखाएं आपके बारे में क्या कुछ कहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपकी हथेली पर मौजूद उन रेखाओं के बारे में, आपकी कलाई के ऊपर मौजूद उन रेखाओं के बारे में जो खोलेंगी आपकी उम्र के राज, बताएंगी कितने साल जिएंगे आप। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। आपकी उम्र कितनी रहेगी आज मैं आपको बता दूंगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 3 फरवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज छठ तिथि है। आज बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात भगवान गणपति की कच्चे दूध से, दही से, शहद से, सुगंधित जल से, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। भगवान गणपति का विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। कांसे के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, लड्डुओं का भोग लगाइएगा। भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगा बढ़ते कर्ज से, बढ़ती बीमारियों से परमानेंट छुटकारा, मिलेगा छप्पर फाड़ के धन। जी तो पंडित जी, शुभ संयोग तो आपने हमें बताया और आज जो चर्चा हम करने वाले हैं हाथ की रेखा पर करने वाले हैं कि हमारी उम्र के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के मन में कभी ना कभी यह विचार आता है, आपके मन में, मेरे मन में आता है कि आखिरकार हम कितने साल जिएंगे, हमारी आयु कितनी होगी, यक्ष प्रश्न है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, लेकिन आपकी हाथ की रेखाएं बता सकती हैं कि आप कितने साल जिएंगे, कितने समय तक आप जीवित रहेंगे। आप और हम ये सोचते रहते हैं कि काश ये पता चल जाए कि हमारी उम्र कितनी है, इस संसार के सुखों को हमें कब तक भोगना है। और अगर हमें पता हो कि अभी 50 साल तो हम हैं तो एंजॉय करेंगे, और हमें पता हो कि 5 दिन ही हमारे पास हैं तो सोचेंगे कि 5 दिन में हमको क्या क्या करना है, जो निपटा दो उसके बाद तो जाना है। तो अपने भविष्य की योजनाओं का निर्धारण कर सकते हैं यदि हमें पता हो कौन कौन सी बीमारी होगी आपको। आपकी हाथों की रेखाएं ये भी बताती है। मेडिकल साइंस भी आज तक कोई ऐसी तकनीक नहीं बना पाया है जिससे व्यक्ति की कुल आयु पता की जा सके। मेडिकल साइंस, डॉक्टर कोई नहीं बता सकता है कि कौन कितने साल जिएगा। लेकिन आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी उम्र कितनी होगी, कितने साल आप जिएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी हथेली के जोड़ पर, आपकी कलाई के ऊपर मौजूद मणिबंध रेखाएं खोलेंगी आपकी उम्र के राज, बताएंगी कि आप 100 साल जिएंगे या 75 साल जिएंगे या 50 साल जिएंगे या उससे भी कम जिएंगे। आइए जानते हैं आपकी, हमारी उम्र बताने वाली मणिबंध रेखाओं के बारे में, उन रेखाओं के बारे में जो आज बताएंगी कि हमारी उम्र कितनी होगी, आपकी उम्र कितनी होगी।
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मणिबंद रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले जान लीजिए, समझ लीजिए। हाथ से जिस जगह हथेली जुड़ती है, ये हथेली के नीचे का जो पोर्शन होता है, हथेली से नीचे जो हाथ से जुड़ती है उसे मणिबंद कहा जाता है। आप इसे कलाई भी कह सकते हैं। मणिबंद पर मौजूद रेखाओं को देखकर, ये मणिबंद के ऊपर हाथ को अगर आप हल्का सा ऐसे करें तो यहाँ 1, 2, 3 ऐसी 4 रेखाएं बनती है। हल्का सा उसको ट्विस्ट करने पे आपको पता पड़ेगा कि आपके मणिबंद पे कितनी रेखाएं हैं। तो मणिबंद पे मौजूद रेखाओं को देखकर आप अपने आयु के बारे में जान सकते हैं। ये हथेली का ये कलाई जिसको बोलते हैं, कलाई पे जो रेखाएं हैं, मूलतः कलाई पर मौजूद ये जो कलाई है उसके ऊपर जैसे ही आप हाथ को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं तो उसके ऊपर ये रेखाएं बनने लग जाती हैं। ये 2 रेखाएं 3 रेखाएं, ये जनरली देखा गया है 3 रेखा तो मिलती ही मिलती है, ये मणिबंद रेखाएं कहलाती हैं। कुछ लोगों के हाथ में 2 मणिबंद, जैसे ही आपने हाथ को हल्का सा ट्विस्ट किया तो आपको 1 रेखा जोड़ पे उसके नीचे और 1 नीचे और बनती दिखेंगी। तो कुछ लोगों के हाथ में 2 मणिबंद रेखाएं होती हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में 4 मणिबंद रेखाएं भी होती हैं। ये जो मणिबंद रेखाएं हैं, ये जो मणिबंद की जो रेखा है हथेली के कलाई के ऊपर जो ये रेखा है, ये 1, 2, 3 ये जो रेखाएं हैं ये मणिबंद रेखाएं कहलाती हैं। ये मणिबंद रेखाएं आयु को, स्वास्थ्य को, धन को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को बताती हैं। तो कितने साल जिएंगे आप, आपकी ये मणिबंद की रेखाएं बताएंगी। कितने साल जिएंगे ये मणिबंद की रेखाएं बताएंगी, कितने साल जिएंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि कलाई के ऊपर, इस कलाई के ऊपर 4 मणिबंद रेखाएं हों, 1, 2, 3, 4 आप इस हाथ में देखें तो, अगर आप ऐसे देखें तो 1, 2 और ये 3 रेखा मेरे हाथ में है। यदि किसी के हाथ में 4 मणिबंद रेखा हो तो उसकी पूर्ण आयु 100 साल जी के मरता है, उससे पहले नहीं मरता है। और यदि कलाई पर 3 रेखाएं हो, जैसे मेरे हाथ में 1, 2, 3 हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 75 साल तो मैं जीऊंगा। यदि कलाई पर 2 रेखा हो तो 50 साल में ही आदमी गुड़क जाता है। और यदि इस कलाई के ऊपर 1 ही मणिबंद रेखा हो तो 25 साल की उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये 3 रेखाएं या 4 रेखाएं ये महत्वपूर्ण है जो बताती हैं कि आप कितने साल जिएंगे। तो 4 रेखा 100 साल, 3 रेखा 75 साल, 2 रेखा 50 साल और 1 रेखा 25 साल। समझ गए आप? आपको देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। अब कुछ रोचक जानकारी मैं आपको मणिबंद रेखा से जुड़ी और बताता हूं। मणिबंद से रेखा निकलकर ऊपर की ओर जाती, यानी हथेली की ओर जाती है, तो उसके सोचे सभी कार्य उसके जीवन काल में ही पूर्ण हो जाते हैं। और मणिबंद से कोई रेखा निकलकर, ये मणिबंद हुआ, चंद्र पर्वत कौन सा हुआ, ये जो हमारा अंगूठे के नीचे पर्वत है ये शुक्र पर्वत, इसके जस्ट अपोजिट चंद्र पर्वत। तो यहां से निकल के अगर कोई चंद्र पर्वत की तरफ कोई रेखा जा रही है तो ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश यात्राएं करता है। वह यदि मणिबंद रेखाएं टूटी हुई हो, जो मैंने 3 रेखाओं के बारे में आपको बताया, मणिबंद रेखाएं टूटी हुई हो, कटी हो, फटी हो, बहुत ज्यादा चैनिंग हो, तो ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर लगातार हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं। ऐसे लोगों का जीवन जो है वो संकट से और संघर्षों से भरा रहता है। और वहीं यदि आपकी मणिबंद रेखाएं बिल्कुल निर्दोष हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रबल भाग्योदय बनता है, लक फैक्टर का सपोर्ट मिलता है, जीवन में बहुत राइज करते हैं। वहीं मणिबंद रेखा अगर चैनिंग हो, उसमें जंजीरदार हो, तो उसके जीवन में हर कदम पे रुकावटें बाधाएं आती रहती हैं। मणिबंद रेखा गहरी हो, लाल हो, स्पष्ट हो,
तो व्यक्ति की सर्वत रक्षा होती है, संकटों से बचाव होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, कई बार अगर आप देखें तो आपका जो मणिबंध है, दो मणिबंध की रेखाएं अगर आपस में मिल जाती है, दो मणिबंध रेखाएं अगर आपस में कहीं मिल जाती हैं, तो ऐसे लोगों को किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट होने पर अंग भंग का योग बनता है। किसी का हाथ कट जाता है, पांव कट जाता है, तो अगर आप उनके हाथ का एनालिसिस करो तो उनकी दो मणिबंध रेखाएं एक जगह पे जाके मिल जाती हैं। मणिबंध रेखाओं का रंग नीला हो तो ऐसे व्यक्ति रोगी बनते हैं। वहीं यदि मणिबंध रेखाएं पीले रंग की हो तो विश्वासघात का सूचक माना जाता है। जिन लोगों की कलाई के ऊपर गोलाकार घेरा बनाते हुए चार मणिबंध रेखाएं होती हैं, बहुत रेयर देखने को मिलती हैं, मेरे भी तीन ही हैं, तो चार रेखाएं होती हैं वो बेहद भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों की आयु तो लंबी होती है, जैसे मैंने कहा 100 साल, लेकिन 100 साल की आयु के साथ जीवन में 100 तरह की खुशियां भी बनी रहती है, अपार खुशियां बनी रहती है। ऐसे लोगों की लाइफ में सफलता भी बहुत जल्दी उनके कदमों को चूमती है। ऐसे लोग जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां अपनी विशेष पहचान बनाते हैं, उन्नति पाते हैं। यदि मणिबंध के अंदर चार रेखाएं बनी हुई हैं, तो इस प्रकार आज मैंने आपको मणिबंध के बारे में समझाने का प्रयास किया कि आपकी उम्र का राज खोलेगी आपकी कलाई पर बनी हुई मणिबंध रेखाएं जो हैं वो आपकी उम्र के बारे में बता सकती हैं। चार रेखा 100 साल, 3 रेखा 75 साल, 2 रेखा 50 साल, 1 रेखा 25 साल। जी पंडित जी, अब आज का दिव्य मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए समझ लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम कार्य साधकाय नमः, ओम कार्य साधकाय नमः, ओम कार्य साधकाय नमः, ओम कार्य साधकाय नमः। यदि आप किसी कंपटीशन के लिए देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी लाइफ, अपने जीवन, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका सोचा हुआ हर कार्य सिद्ध हो, पूर्ण हो, आज जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं वो उस काम में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, तो इस महामंत्र के जाप से, ओम कार्य साधकाय नमः, इस महामंत्र के जाप से आपको मिल सकती है आपके कार्य में 100% सफलता, 100% सक्सेस। गुलाब की धूप बत्ती, एक तेल का दीपक जलाइएगा, इस मंत्र का ओम कार्य साधकाय नमः 108 बार जाप कीजिएगा। मंत्र के प्रभाव से आज के दिन सफलता चूमेगी आपके कदम, हर कार्य आपके पूर्ण होंगे निर्विघ्न रूप से। तो इतनी सारी जानकारी आपको पंडित जी ने दी, पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री।